देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर, देखते आज की कुछ खास खबरें। एमपी में दोस्तों के साथ मिलकर पूर्व पति ने किया सामूहिक बलात्कार, फिर पिला दिया जहर। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक महिला से गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने महिला के पूर्व पति समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। घटना 3 दिन पहले रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र के रामगढ़ की है, जहां सुबह गांव वालों ने एक महिला को सड़क किनारे बेसुध हालत में पड़ा पाया। महिला के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद महिला और बच्ची को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि महिला के शरीर में जहर पाया गया। इसके बाद जब महिला होश में आई तो पुलिस ने उसका बयान लिया। महिला ने बताया कि उसके पूर्व पति ने साथियों के साथ मिलकर गैंग रेप किया और उसके बाद जहर पिला दिया। जब उन्हें लगा कि मैं मर गई तो मुझे सड़क पर फेंक कर चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार है और एक ही गाँव में रहते हैं। कौशाबी दलित के साथ गैंगरेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में लगी गोली। उत्तर प्रदेश की पुलिस इन दिनों बलात्कारियों पर भी कुख्यात, आरोपियों की तरह हमलावर है। ताजा मामला कौशाबी जिले का है, जहां एक सराय अखिल थाना इलाके में हाल ही में नाबालिग दलित किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाले मुख्य आरोपी आदिल को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी के साथ गैंगरेप की वीडियो भी आरोपियों ने बनाकर वायरल की थी। मुख्य आरोपी वायरल वीडियो में किशोरी के साथ बलात्कार करता दिखाई दे रहा था। कौशाबी में दलित लड़की से गैंगरेप केस दर्ज कराने गए पिता को पीटा। सराय अखिल थाना इलाके की एक 15 साल की दलित लड़की शनिवार दोपहर खेतों में घास काटने के लिए गई थी। वहीं पड़ोस के गांव में रहने वाले वर्ग विशेष के 3 युवक जा पहुंचे और किशोरी को दबोच लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का वीडियो भी युवकों ने बना डाला। घटना की सूचना देने पीड़िता के पिता थाने पहुंचे तो उसे वहां बैठा लिया गया। आरोप है कि उनके साथ थाने में मारपीट भी की गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।